नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे लोगों से बात करने आए हैं जो डेढ़ सच्चा सौदा में रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीनू इंसा, नेहा इंसा। आप लड़कियों हो, कितने समय से आप लोग डेरा सच्चा सौदा में? हमें बचपन से हैं, बचपन से ही। मीडिया ने तो कुछ और दिखाया था कि जो लड़कियां यहाँ आती हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आज भी आप आ रहे हो यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा आते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बेकार की, सब मीडिया फैला ही रही है और कुछ नहीं है, बस बेकार की बातें हैं सब। फिर मीडिया ने जो कुछ इतना कुछ दिखाया बाबा राम रीम जी को लेकर, डेरा सच्चा सौदा को लेकर, या यहाँ आने वाली बेटियों को लेकर, क्या जवाब दोगे उनको? हम तो यही जवाब देंगे कि देखने वालों का नजरिया और था, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो इंसान इतने जने यहाँ पे आते हैं, करोड़ों इंसान आते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता, तो मीडिया कहाँ से देख लेती है सब चीज़ें? मीडिया को ही ज़्यादा नज़र आता है क्या? इतनी सारी सास संगत है, ये सारी क्या अंधी है जो मीडिया इतना कुछ देख लेती है? उनकी आँखें कुछ और हैं क्या? हमारी आँखें कुछ और हैं क्या जो मीडिया इतना कुछ देखती है? तो दिखाना, बिल्कुल सही बात है। इनका सवाल है मीडिया का कि कहाँ से देखा मीडिया ने ऐसा कुछ? जो बेटियां यहाँ पर आती हैं, इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं देखा, और आज भी आ रही हैं करोड़ों बेटियां। इनका कहना है डेरा सच्चा सौदा में आती हैं, करोड़ों का ये कहना है कि हमने कभी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा। तो आज आप लोगों को कितना विश्वास है गुरु जी पर? हमें उतना ही विश्वास है कि शायद हम अपने आप पर इतना विश्वास नहीं करते, अपनी पूरी दुनिया पर विश्वास नहीं करते, हम पिताजी पर विश्वास करते हैं। पिताजी पे विश्वास है सबसे ज्यादा, बल्कि अब तो और ज्यादा हो चुका है, और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, अब तो हमेशा करते रहेंगे। तो एक जो लड़कियां थी और राखी सावंत और ये रवीना, वो भी सामने आई थी, उन्होंने भी बताया था गुरुजी के बारे में, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, उसे तो खुद अपनी वो नहीं है फिक्र, वो खुद कपड़े ढंग से नहीं पहनती, तो वो दूसरे के उस पे क्या लगाएगी? अपना आपा देखे, वो दूसरे को जब बोले अपना देखे, बोलने का ही मैनर्स नहीं है, आगे बन गई बस के हाँ हम राखी सावंत है इतनी। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? बीइंग गर्ल, भी लड़कियां यहाँ कितनी सुरक्षित रहती हैं, डेरा सच्चा सौदा क्या है, बाबा राम रीम जी क्या है, थोड़ा सा इसको बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे, एक बार आए यहाँ, देखें यहाँ करके कि क्या होता है क्या नहीं होता, देखेंगे। हर इंसान कोई भी एक साथ नहीं पहचानता, पहले रहता है उसके साथ जब जानता है। हम यहाँ रहे, हमने अच्छे से देखा कि हमारे पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं है। जो इंसान अपने आप को नहीं समझ के दूसरों को समझाता अच्छे तरीके से, तो उससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है? ऐसे पता नहीं क्यों बोलते हैं, आके एक बार देखें ना, ऐसे बोलने से क्या फायदा होता है? जो आप तो अपनी बहन बेटियों को मत भेजो, दूसरों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो आप लोग? लेकिन बस यही है कि दुनिया में अब क्या बोलें, बस बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सवाल है लोगों से, अगर किसी को सवाल है दिमाग में क्या क्या है डेरा सच्चा सौदा, क्या है बाबा राम रीम जी, तो वो एक बार आए डेरा सच्चा सौदा में और जाने क्या है डेरा सच्चा सौदा। ये उन लड़कियों की पुकार है जो आज भी आ रही है डेरा सच्चा सौदा।